हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं घर और किचन के लिए कुछ आज ऐसी टिप्स लेके आ गई हूँ कि घर के लिए भी आसान और किचन के लिए आसान। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से मैं जब कभी आलू ऐसा होता है कि गरम गरम आलू उबाल लेते हैं तो क्या होता है, अगर हमें हैंड टू हैंड छीलना रहता है। तो देखिए, मैंने आलू का फिलहाल अभी उबाला है, जस्ट उबाला है, तो मैं वीडियो आप में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि जस्ट अगर अभी छीलना है तो आपको क्या करना है, इस तरह से कांटे वाला चम्मच ले लेना है और आपको इस तरह से देखिए उसमें लगाने के बाद इस तरह से आप छील लेंगे। कितने भी आलू छील लेंगे लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और ना ही आपका हाथ जलेगा। बहुत तेजी तरीके से आप आलू के छिलक उतार सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटे मोटे ट्रिक आप अपने घर में भी आजमा सकते हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम ना ही कोई दिक्कत होता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से गरम गरम आलू मैंने दो से तीन छील लिया है, ना ही मेरा हाथ जला है ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आलू का ही एक ट्रिप और है, तो मैं आलू गरम गरम आलू का है तो मैं ये एक ट्रिप और बताती हूँ आलू से। तो देखिए, मैंने दो से तीन मैंने इस तरह से छील लिया है, बिल्कुल मैंने अभी हैंड टू हैंड आलू को उबाला है। तो देखिए, कभी ऐसा होता है कि अगर हैंड टू हैंड आलू को मुझे मसलना पड़े तो हाथ तो जल जाता है हमारा। लेकिन अब आपको करना क्या है, इस तरह से कटोरी ले लीजिए, कटोरी के नीचे हिस्से वाले से इस तरह से आपको दबा देना है। तो दोस्तों यकीन मानिए, इस तरह से भी आपका बिल्कुल हाथ नहीं जलेगा, इस तरह से आपका आलू बहुत झटपट इस तरह से आप मसलना चाहे तो मसल जाता है। अब बाकी इस तरह से जैसे कि आलू उबाल लिया है, इस तरह से गरम गरम आलू कांटे वाले चम्मच के हेल्प से भी इस तरह से आप दबा के इसको बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से छोटे मोटे ट्रिक आप अपने घर में भी आजमा सकते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाता है। सुबह सुबह का भागम भाग इस तरह से काम रहता है तो हमारा काम जल्दी हो नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिप। तो दोस्तों, अगला ट्रिप मेरा इस तरह से चावल हो गया, उड़द की दाल हो गया। तो दोस्तों ऐसा होता है कभी कोई बाई चांस हम भिगोते हैं, मुझे हैंड टू हैंड चाहिए। तो देखिए, हमारा अगर इस समय भीगता नहीं है, इस तरह से जल्दी जल्दी फूलता नहीं, तो हमें करना क्या है। तो देखिए, अगर मुझे हैंड टू हैंड चाहिए तो मुझे आपको करना क्या है, ले लेना है बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर देखिए मैंने मूंगर दाल में डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने चावल में डाल दिया। तो दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी हमारा इडली डोसा वगैरह खाने का मन करता है, तो इस तरह से हैंड टू हैंड हम अगर भिगोते हैं तो ये फूल नहीं पाता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के आप इस तरह से फुला लीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से हम धो के ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसको धो के ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बेकिंग पाउडर कच्चा हमारे शरीर में जाएगा, पेट में जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिप। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरह से हमारे चैनल के डोर को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से चैनल की डोर एक ऐसा चीज़ है कि देखिए इसमें कितने ज़्यादा गंदगी भरा हुआ है, हम इसको साफ नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल होता है, ना ही इसमें हाथ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्रश की हेल्प से आज मैं अपने चैनल की डोर को साफ कर रही। तो देखिए बहुत इजी तरीके से इस तरह से, आप सभी के घर में ब्रश ख़राब रहता है और ज़्यादातर सभी के घर में अक्सर ये इस तरह से चैनल की डोर होता है, खिड़कियों की डोर होती है, आपने देखा होगा इस तरह से जो एनमोलियम की खिड़की होती है, इस तरह से डोर होता है खिसकाने वाला, ज़्यादातर तो आजकल सभी के घरों में रहता है इस तरह से विंडो खिड़की जो रहती है, तो इस तरह से चैनल का जो खिसकाने वाला रहता है। तो दोस्तों देखिए, यकीन मानिए मैंने ब्रश के हेल्प से अपने चैनल की डोर में से कितने सारे डस्ट निकाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह से छोटे मोटे ट्रिक क्यों ना आप अपने घर में आजमाइएगा। तो दोस्तों पर ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, मैंने ब्रश के हेल्प से इतने सारे इसमें से डस्ट निकाले हुए हैं। तो दोस्तों ये नहीं कि चैनल का डोर है तो इसी में से ही, तो क्या होता है कि एल्युमिनियम की जो डोर होती है खिड़की, विंडो खिड़की में भी इस तरह से खिसकाने वाला खिड़कियाँ रहती, तो आपने देखा होगा इस तरह से डोर रहता है। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है इसमें इस तरह से फंस जाते हैं डस्ट वगैरह, तो बिल्कुल निकलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दोस्तों क्यों ना अपने घर और किचन की इस तरह से साफ़ सफाई और छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र बना के इस तरह से मैं क्यों ना इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अगर ज़रा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने इस तरह से अपने चैनल की डोर को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था लेकिन जब मैंने साफ़ किया तो इतना सारा इसमें से डस्ट निकला, क्योंकि मैंने ब्रश के हेल्प से इस तरह से डस्ट को इकट्ठा करा है तो काफ़ी इसमें से डस्ट निकल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से ब्रश को फेंके ना,
और इस तरह से ब्रश को, आपके घर में अगर इस तरह से ब्रश है तो ब्रश को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने इतने सारे डस्ट निकाले हैं, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिप। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरह से कंघे, तो दोस्तों कंघा है, तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कंघा हम बालों में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने और जगह इस्तेमाल किया है? जी नहीं दोस्तों। तो चलिए आज हम कंघे को अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने वाइट कपड़ा ले लिया है, इस तरह से कंघे के ऊपर मैंने कवर कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, इस तरह से पानी ले लेना है और पानी के हेल्प से इस तरह से कपड़े को ऊपर से गीला कर लेना है थोड़ा सा। तो चलिए मैं इसका रियूज बताती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से होता क्या है, ये जो फ्रिज का डोर है, तो फ्रिज दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरी नई फ्रिज है, अगर आपके घर में इस तरह से फ्रिज है तो फ्रिज का इस्तेमाल इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। जो ये डोर होता है ना, इस डोर के अंदर काफ़ी सारा डस्ट भर जाता है दोस्तों, इस तरह से डस्ट भर जाता है, हम इसकी सफाई नहीं करते हैं तो डोर हमारा ख़राब हो जाता है। डोर ख़राब हो जाता है तो इसमें से हवा लीक होती है, हवा लीक होती है तो बिजली का खर्च ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसीलिए आप अपने फ्रिज को डोर को क्लीन करके रखें, सफाई करके रखें, तो इस तरह से आपका क्या है, बिजली का खर्च ज़्यादा नहीं होगा और बिजली का बचत भी होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से काकरोच वगैरह चले जाती हैं, काफ़ी ये जगह वैसा है कि हमारा हाथ भी नहीं जाता है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जाता कि हम इसको सफाई कर लें। तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में जरूर आजमा के देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।